आइए जानते हैं कि शिवलिंग को घर में कैसे रखना चाहिए और उसकी कैसे विधिवत पूजा करनी चाहिए। अगर आपके मन में चल रहा है कि सावन महीना चल रहा है और शिवलिंग को अपने घर में स्थापित किया जाए, तो आइए इसके नियमों के बारे में जानते हैं। इसके नियमों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नियमों को अनदेखा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान शिव की आराधना करने के कई नियम बताए गए हैं, जिनका शिव भक्त विधिपूर्वक पालन भी करते हैं। सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ शिवलिंग की स्थापना करना शुभ माना जाता है। यह भी मान्यता है कि शिवलिंग में जल और दूध चढ़ाने से व्यक्ति को हर तरह के कष्ट से छुटकारा मिल जाता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार अनजाने में शिवलिंग संबंधी ऐसी गलतियां लोग कर जाते हैं जो जीवन में अशुभ फल डालते हैं। अगर आप भी घर में शिवलिंग स्थापित करने जा रहे हैं, तो इन नियमों का जरूर ध्यान में रखकर ही शिवलिंग स्थापित करें। घर में रखे जाने वाले शिवलिंग के आकार जरूर ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी शिवलिंग को घर में रहे हैं तो उसका आकार अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 4 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए। वही शास्त्रों के अनुसार माने तो घर में सिर्फ एक ही शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है। इसलिए एक से अधिक कभी भी शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा किसी कटोरी में रखना चाहिए और इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पात्र का जल कभी भी सूखे नहीं। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से शिवलिंग की जल धारा हमेशा उत्तर की ओर होनी चाहिए और यह काफ़ी शुभ माना जाता है। मार्केट में आपको कई प्रकार के शिवलिंग मिल जाएंगे, लेकिन हर शिवलिंग को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। घर में पारद शिवलिंग रखना चाहिए जो चांदी और पारे से मिलकर बना है, और इसके अलावा स्फटिक शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है। यह एक पारदर्शी शिवलिंग है और इसके अलावा नर्मदेश्वरी शिवलिंग को भी रखना चाहिए। यह शिवलिंग नर्मदा नदी के किनारे पर पाई जाती है और इन्हें वहाँ से मंगाकर आप अपने घर में रख सकते हैं। माना जाता है कि शिवलिंग को कभी भी अकेले नहीं रखना चाहिए, उसके साथ भगवान शिव के पूरे परिवार यानी माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की तस्वीर भी रखनी चाहिए। और ये भी माना जाता है कि घर के शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठान नहीं करानी चाहिए, ऐसे ही रोजाना पूजा करना चाहिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठान हो चुके शिवलिंग में हर प्रहर की पूजा की जाती है, और लेकिन घर में यह कर पाना संभव नहीं होता है। इसलिए शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठान नहीं कराना चाहिए, ऐसे ही उसकी पूजा करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। सावन का महीना चल रहा है, आप सभी को हर हर महादेव जरूर बताइएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।